जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वन प्लस से गूगल पिक्सेल से रिलेटेड वीडियो है और तकरीबन कोई 3A और 3A XL, 4A, 4A 5G, 5A 5G और 6 तक स्टॉक को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप इंट्रो में देख चुके हैं, गूगल पिक्सेल से रिलेटेड वीडियो है और सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मौजूद है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट एड्रेसिंग प्लेटफॉर्म है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है जी, ये बनाने का मकसद जो नए व्यूवर्स हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि बाज़ लोग कहते थे कि जी हमारी ये क्वेरी है, हमें ये चीज़ चाहिए। जब वीडियो आती थी, अक्सर तो वीडियो आती है तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं या इस तरह का कुछ सिनेरियो हो चुका होता है कि स्टॉक की इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है। लेकिन इसको मसले को आप कह लें हल करने के लिए, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ये सोचा कि फौरी तौर पे जैसे ही जो चीज़ आए हर कस्टमर को पता लग जाए और वो अपनी जो मुतलका प्रोडक्ट है वो हासिल कर सके, इसके लिए सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स का इनिशिएटिव किया था हमने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को समझ आती है और चैट होती है। ज़ाहिर बात है जब चीज़ आती है लोग पूछ लेते हैं और अपनी चीज़ ले लेते हैं, ये चीज़ होती है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जी नोट टेन प्लस का जो स्टॉक है वो यानी कि आप कह लें कि हम लोग जो है वो बना रहे हैं, मंगवा रहे थे, लेकिन क्योंकि नोट 10 प्लस की इस वक्त जो प्राइस आई है, अगर वो हम करेंगे उसको सेल आउट करेंगे तो तकरीबन 95,000 रुपये तक जो है ना वो उसकी प्राइस जा चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल, अभी तो लास्ट हमने 80-81 में बेचा है तो भी हमें जो है ना वो नहीं वारा खा रहा। तो अब जो 90-95 किसी से मांगेंगे तो वो किस तरह से पे करेगा, ये मेरी बात समझ से बाहर है जी। तो गूगल पिक्सेल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों के पास आई हुई हैं। हमजा भाई दिखाएं ज़रा स्टॉक, दिखाएं व्यूअर्स को किस तरह से है जी। स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के पास आया था, अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूं जो जो चीज़ें अभी मौजूद हैं। 3A का स्टॉक पड़ा हुआ है, 3A आप लोगों को मिल जाएगा 24,500 में, ऑलमोस्ट साफ सुथरा ही है स्टॉक सारा। उसके बाद पिक्सेल 3 का स्टॉक मौजूद है, पिक्सेल 3 आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा जी। ये तो 3A ही है, 3 कौन सा होता है, ये होता है मेरे ख्याल में, हाँ जी ये 3 का स्टॉक है। ये देखें जी, ये आप लोगों को मिल जाएगा 28,000 में, 3,500 रुपये तक तकरीबन फ़र्क है जी, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं 3A XL पे, 3A XL आप लोगों को मिल जाता है 29,500 में। ये बिग साइज़ है, बड़ा साइज़ होता है, ये देखें आप जी 3A XL। उसके बाद आ जाते हैं हम ये 4/64 है सारे, ये मैं आपको बता दूं फिज़िकल विद ई सिम और 4/64 में सारे। उसके बाद आ जाते हैं 3A XL के बाद 4 पे, 4XL स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। 4XL आप लोगों को मिल जाएगा 36,500 में मिल जाएगा 4X4, और 4XL का स्टॉक हमारा एक दो दिन में आने वाला है, उसका भी रेट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो दूंगा, क्या नाम है ग्रुप में भी आपको रेट दे दूंगा, और जब अराइव हो जाएगा तो भी आप लोगों को रेट हम डिस्क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद 4A का स्टॉक था, काफ़ी ज़्यादा था, बैंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 4A आप लोगों के लिए कर दिया जी 36,500 में, ये भी ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पिक्सेल 4A 5G पे, 4A 5G आप लोगों को मिल जाएगा जी, 4A 5G आप लोगों को मिल जाएगा 40,000 में, ठीक है जी। 6GB 128GB होता है, और 4A भी जो है वो भी 6/128 होता है। उसके बाद आ जाते हैं 4A 5G 4XL में आपको रेट दूंगा जब आएगा ग्रुप में। तो जो 5 है,
फाइव आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, डॉट वाला जो है फाइव वो आपको मिलेगा 43,000 का, और जो क्लियर है वो आपको मिल जाएगा 47,500 में, ठीक है जी। फाइव 8 GB 128 GB होता है फाइव, और आप लोगों को इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पता ही है कि बीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेहतरीन किस्म का इनका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो खूबसूरत यानी कि इंटरफेस है मेरे हिसाब में वो गूगल का है। अगर ये इंटरफेस सैमसंग में हो तो ये शायद आईफोन को भी बीट कर दे। तो उसके बाद आ जाते हैं हम 5A 5G पे। 5A 5G आप लोगों को मिल जाएगा जी, ये आप ले लीजिएगा 6128 ही होता है, ये आप लोगों को मिल जाएगा जी 55,000 में, बिल्कुल पेपर फोन है, ब्रांड न्यू टाइप, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम पिक्सल 6 पे। पिक्सल 6 में नॉन PTA स्टॉक है, ऑलमोस्ट सब तो खत्म हो चुका है, पहले आप लोगों को पता है दिखाया था प्रीवियस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, अब ऑलमोस्ट एंड पे है। गूगल का ऑलमोस्ट सारा स्टॉक ही एंड हो चुका है, अभी आना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा आएगा तो आप लोगों को उसकी भी अपडेट देंगे। 6 आप लोगों को अभी हम दे देंगे 70,000 में, ठीक है जी, पिक्सल 6। तो यही कुछ आज के स्टॉक से रिलेटेड अपडेट थी सारी गूगल की जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जिस भाई को भी चाहिए हो वो हमसे, आप लोगों को पता है रابطہ करने का क्या तरीक़ेकार है, आप लोग हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं। और सारा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही है कि क्या हमारा प्रोसीजर है किस तरह से, या तो कोई आप अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं, अपना कोई जानने वाला आपका लाहौर में है तो उसको भेज सकते हैं यहाँ से परचेज करके, वो आपको पार्सल कर दे, नहीं तो हमारे बैंक अकाउंट्स में आप पेमेंट करेंगे विद इन सेम डे आपको स्लिप मिल जाएगी, नेक्स्ट डे आपका पार्सल आपके डोर स्टेप पर होगा, ठीक है जी। तो अपना अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ईद कुर्बा है और इसमें अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रिया और आप कह लें कि दिखावे के बगैर जो है ना वो तस्निय नीयत के साथ हम लोगों को कुर्बानी का जो असल मकसद है वो हम लोगों का अचीव करने की हमें तौफीक दे दे अल्लाह ताला। तो ये चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कहते हैं जी हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला को ना तुम्हारी जो है वो इसमें माल पहुंचता है, ना इसका गोश्त, ना खाल, ना कोई और चीज़, अल्लाह ताला तक सिर्फ आपकी नीयत पहुँचती है। और इस वाक्य को जब आप, ये जो सारा वाक्य है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक्य है, इस वाक्य को जब आप किसी बाअमल इंसान से सुनेंगे ना कि ये सारा वाक्य, एक मौल साहब हैं बहुत अच्छा इस वाक्य को बयान करते हैं, जब भी मैंने उनका सुना है बयान, तो दिल के अंदर से उतर जाता है ये बयान, यानी ये वाक्य जो है ये इंतहा है, ये जब से ज़मीन आसमान दुनिया बनी है तब से आज तक ये ऐसा मंजर, ऐसे मंजर जिस पे फरिश्ते भी जो है वो आप कह लें कि परेशान हो गए और एक तरह से उनकी अजीब सी कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई, ये उन वाकयात में से हमारे लिए तो कुर्बानी एक और टाइप की चीज़ बन गई है ना, यानी कि जो मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब ऐसे ही हो गए कि इसको हम लोग समझते ही कुछ और हैं, लेकिन ये वाकया और ये कुर्बानी का जो मकसद है ये मामूली नहीं है, बहुत 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 बड़ा मकसद है। क़यामत तक के इंसानों को सबक देना था कि अगर अल्लाह के और बंदे के दरमियान कुछ भी हायल हो जाए तो वो कुछ भी अहम नहीं है, चाहे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, सबसे अहम जो है वो अल्लाह का और उस बंदे का ख़ुद का ताल्लुक है। हुक्म, हम लोग तो हुक्म दिन रात रोज़ सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते तोड़ रहे हैं ना अल्लाह के, लेकिन ये जो खलीलुल्लाह का रिवॉर्ड जो है वो क़यामत तक के लिए खलीलुल्लाह ऐसे नहीं मिल जाता, तो कुर्बानी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको जो है वो कुर्बानी की अहमियत और कुर्बानी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।